शासक हैं उनका पैरबंधन करते हैं। सोमनगरी देवियन युवा सेवा समिति के कोषाध्यक्ष जनाब फैसल साहब पहले भी हमारे बीच उपस्थित आ चुके हैं, हम उनका पैरबंधन करते हैं। अतिथि सम्मान की अगली कड़ी में गैलिन को सर्टिफिकेट और मोमेंटो पेश करें। बहुत शुक्रिया। अगली कड़ी में मैं जनाब साहिल गोर साहब तक, जहां तक मेरी जानकारी ये इस समय सबसे युवा पार्षद है, विक्रांत जागीरदार साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आइए हम एक मोमेंटो वेट करें। बहुत शुक्रिया। आपने हमें कोरोना वायरस का जो स्वागत किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी घड़ी है जो कोरोना वायरस का सम्मान करते हैं। इससे क्या है कि और भी लोगों में एक उनके अंदर एक प्रोत्साहन की भावना बनती है कि मैं भी कोरोना वायरस का मैं भी देश की और जनता ये कोरोना योद्धा का जो सम्मान किया जा रहा है उसमें जनाब प्रोफेसर विशेष अतिथि अतीक साहब उनकी वगैरह में दिया जा रहा है और करीब 150 से 200 लोगों का सम्मान किया जा रहा है, जिसके अंदर मेडिकल जो हॉस्पिटल के अंदर ब्लड ग्रुप किया है या नर्सिंग क्रम की उनका भी सम्मान किया गया है। हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन सबका भी सम्मान किया जा रहा है और जो भी इस कोरोना योद्धा में जो भी अपने धन मन धन से शोक किया उन सबका शोक किया जा रहा है और इसी के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है मुस्लिम स्कूल मौलाना कलाम अब्दुल आजाद के अंदर। मैं मोहम्मद फारूक, मैं सर आपसे कहना चाहूँगा अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ उसके लिए जनता के लिए और अपने शहरवासियों के लिए लास्ट संदेश क्या होगा? जैसे 2 गज दूरी है, मास्क जरूरी है और दूसरा जैसे कि आप लोगों कहीं आना जाना नहीं और भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं करनी है और जो भी अपने गाइडलाइंस है उसका पालन करना है ताकि क्या है अपनी जो भी कोरोना जो भी ये महामारी चल रही है इससे अपन निजात पा सकते हैं।